नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों के। आपको भी क्या पीसी बिल्ड कराना है तो जल्दी आ जाइए, वो भी सिर्फ 60,000 के अंदर बेस्ट गेमिंग पीसी बिल्ड आ जाइए। हम आपको दिलाएंगे कि 60,000 के अंदर बेस्ट पीसी बिल्ड क्या हो सकता है। तो आप लोगों को वीडियो एंड तक देखने के बाद ही कमेंट करना है, पहले कोई कमेंट नहीं करेगा, वरना देख लेना बाद में आप लोग अपने हिसाब से। तो हमने इसमें यूज किया AMD i5-5700G कोर के साथ AM4 डेस्कटॉप प्रोसेसर, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है। 19 MB के पर सेकंड ट्रांसपोर्ट है इसकी, और 4.4 GB मैक्स आता है, और इसमें आपको 3 ईयर की वारंटी मिल जाएगी। और इसमें AMD i5 का फैन इसके इनबिल्ट आता है इसमें। ये देखो, ये इसका फैन हो गया और ये इसका प्रोसेसर हो गया, और सही है कि वारंटी मिलती है। डी मतलब एक अच्छा बस है, और आपको 14,000 रुपये का मिल जाएगा। और नेक्स्ट में हमने यूज किया है गीगाबाइट का GeForce ATX RTX 4060, ईगो 8 GB का ग्राफिक कार्ड 3X फैन के साथ आता है। 128 बिट है, DDR6 है, और 8 GB वीडियो तक चला सकता है, अगर आपकी वीडियो कैपेसिटी 1 GB तक हो तो। नहीं, 8 GB वीडियो कैपेसिटी नहीं, 8 GB का ग्राफिक कार्ड है, और बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है, विंडो कार्ड है इसमें। और इसको आपकी वारंटी का तो कितने मेंशन नहीं किया हुआ है, पीछे की तरफ आपको इसमें स्टील बॉडी मिल जाएगी, एक्सटर्नल पावर की इसमें भी आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट में बढ़े तो नेक्स्ट में हमने यूज किया XPG 8 डाटा की गेमिंग D30 DDR4 16 GB RAM, 1 AM यूज की है, 3200 MHz के साथ आती है, बहुत खतरनाक रैम है। अभी 3,000 रुपये में मिले ये, कभी इसकी एज ज्यादा भी रहती है, कभी कम रहती है, अभी कुल मिलाकर इसकी एज डाउन है, इसलिए आप लोगों को अभी इसको बाई कर सकते हो आप लोग चाहो तो। और ये आपको नॉन RGB मिलते हैं, यानी कि RGB नहीं मिलते, फिर भी काफी खतरनाक रैम रहने वाली है। XPG की बैंडिंग में इसको यूज करता हूँ, काफी तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के आती है। मैंने भी 16 GB की 1 AM यूज की है इसमें। और नेक्स्ट पे बढ़े तो नेक्स्ट में हमने यूज की है इसमें क्यूजेल की P3+500 वाट की पावर सप्लाई, जो कि अपने ARM2 स्लो के साथ आती है, और 5,000 MB पर सेकंड ट्रांसपोर्ट की स्पीड अपन को देती है, और ये अपन को 3,400 रुपये मिल जाएगी। अप टू स्पीड 5,000 MB पर सेकंड है, और लो स्पीड है इसमें 4,200 MB पर सेकंड, जो कि वास्तव में इतनी स्पीड से ट्रांसपोर्ट भी करती है, मेरी फाइलों को चुटकी में ट्रांसपोर्ट करती है। और अप टू 4,000 GB तक इसमें इसी जनरेशन में आती है, 3 ईयर की वारंटी के साथ ये आती है, और वो इसकी 5 ईयर की वारंटी के साथ आती है। काफी बेस्ट रहने वाली है ये, अगर आप देखते हो तो। और थे वारंटी के साथ आती है, 500 GB की आती है, 4 TB की आती है, 2 TB की आती है, 1 TB की आती है, 1 TB के लगभग लगभग 5 से 6 में मिल जाएगी आपको, 5-6,000 में मिलेगी 1 TB की। और उसकी ट्रांसपोर्ट स्पीड क्या यही रहेगी? हाँ, उसकी ट्रांसपोर्ट स्पीड यही है, पर अभी अपन को सिर्फ 500 GB चाहिए, अपने बजट के अनुसार चलते हैं अभी। तो नेक्स्ट पे बढ़े तो नेक्स्ट में हमने यूज किया है गैलेक्स का पीसी, गैलेक्स का हमने इसमें कैबिनेट यूज किया है, ब्लैक कलर का गेमिंग कैबिनेट है, और सपोर्ट करता है इसमें ATX M ATX ITX 4 4 IGB कूलिंग फैन इसमें मिलते हैं, 3 आगे की तरफ 1 पीछे की तरफ, और इसमें आपको ड्यूअल ग्लास मिलते हैं, ग्लास ड्यूल ड्यूल कदर मिलती है, आगे तरफ जाले एक्स आपको ग्लास मिलती है इसमें। और ये आपको 3,500 रुपये से 3,700 रुपये मिल जाएगा। और ये देखो, ये अपना साइड से कैबिनेट का लुक, और ये इसमें आप यहाँ पर लगा सकते हो, इन यहाँ पर लिक्विड कूलर है ऊपर, यहाँ पर वैसे तो आप लगाना चाहो तो कहाँ पर भी लगा सकते हो, ऊपर वैसे इसमें 4 फैन आपको अंदर इंडिविजुअली मिलते हैं। और हमारे तरफ बाहर बहुत खतरनाक बारिश हो रही है अभी, और हमने इसमें यूज किया MSI Pro A 710 ME मदरबोर्ड,
जो कि माइक्रो एटीएक्स सपोर्ट करता है, एमआई आईजिन 7000 स्कोर करता है, और ये DDR5 को भी सपोर्ट करता है, Gen 4 तक को सपोर्ट करता है, और इसमें आपको 2 AM स्लॉट मिल जाएंगे, और एक GPU स्लॉट, एक प्रोसेसर स्लॉट, एक SSD स्लॉट मिल जाएगा, और बाकी सारे स्लॉट जो लगभग सभी भी मिलते हैं तो वो भी इसमें इनविल है। और फायदे ये वारंटी के साथ आता है, और हमने इसमें नेक्स्ट चीज यूज की है वो है क्यूजेल की 3G वाई की पावर सप्लाई 500 वाट की, जो कि HP+ Xeon है, और लगभग ये आपको 2000 रुपये में मिल जाएगी, और ये आपको 120 RAM का, इसके अंदर आपको इसमें फैन मिलेगा, थे की वारंटी इसके साथ भी मिलती है आपको। और हम बढ़े नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट पर हमने वो हो गया अपना काफी कार्य, तो हमने सर्च किया था तब आगे। हाँ ये वाली हमने यूज की थी, ब्लैक कलर की आती है, ये कलर मेंशन है या नहीं, ये देखो हमने इसमें 720 मदरबोर्ड यूज किया था। ये कैबिनेट हो गया, ये अपना SSD हो गई, ये अपनी एम हो गई, ये अपना ग्राफिक कार्ड हो गया, RTX 4060, और ये अपना AMD Ryzen 5 हो गया। तो आई होप आपको अपना आज का पीसी बीट का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे खतरनाक टॉपिक देखने के लिए और साथ में GT5 की सीरीज देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अदर गेमिंग देखने के लिए GT5 और अदर गेमिंग, हालांकि अभी अदर गेमिंग के कम हो गए क्योंकि अपने पीसी बिल्ड की ज्यादा डालने लगे, पर बस कुछ टाइम और फिर हम सभी गेमिंग के वीडियो डालेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, जय हिंद, गुड बाय।